अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। राज्य स्तरीय बैंकर समिति हरियाणा ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की राज्य स्तरीय विचार मंथन प्रक्रिया के अंतर्गत दो दिन तक चलने वाली बैठक का आयोजन होटल माउंट व्यू सेक्टर 10 चंडीगढ़ में किया। इस बैठक में टीवीएसएन प्रसाद आईएएस अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं योजना विभाग हरियाणा सरकार, संजीव कौशल अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग हरियाणा सरकार, आनंद मोहन शरण आईएएस प्रधान सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार और दीपक मनचंदा मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा ने भाग लिया और अपने विचार प्रकट किए। इस बैठक की अध्यक्षता सुनील मेहता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष ने की। इस बैठक में विष्णु गोयल, राज्य अध्यक्ष हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री ने भी भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। आजकल इंटरनेट बैंकिंग तो बड़ी आसानी से लोगों को उपलब्ध है, उसके माध्यम से वो अप्लाई करेंगे, उनको तुरंत पता चल जाएगा, एक घंटे में पता चल जाएगा कि हाँ उनको लोन मिल सकता है, कितना लोन मिल सकता है, किन शर्तों पे मिल सकता है। तो इस तरह के जो प्रयास हैं, इससे हमारी कस्टमर की डिलीवरी को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। सर, एक सजेशन है हमारा, एक्चुअली हम सॉरी सर की बात को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्चुअली कि आप एज अ कस्टमर बन के एक बार अपने कस्टमर केयर पर कॉल करके देखिए और दोनों चीज़ों को चेक करिए सर, एक तो लोन MSME का और दूसरा आप ये चेक करिए सर फ्रॉड वाला कि मेरे साथ OTP मैंने दे दिया किसी को गलती से और मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, मेरे पैसे कट गए हैं। आप दोनों के आंसर सुनिए कस्टमर केयर पे सर, अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो इस तरह की मीटिंग्स का बहुत फ़ायदा होगा। नहीं देखिए, अभी जो है अभी हमने इसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल, जो बैंकों ने अपने कस्टमर केयर सेंटर्स हैं ये भी हमने जो बनाए हुए हैं उसके अंदर जो टीम बैठी हुई है उनकी डिलीवरी को वो किस तरह से जवाब देते हैं और क्या जवाब देते हैं उसकी अब रिकॉर्डिंग भी की जाती है और उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो शुरू से होती है सर, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं है, उस पर इम्प्रूवमेंट जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि कोई एक आदमी जो इसको रिस्पॉन्स देने के लिए जिम्मेदार है वो अगर ढंग से रिप्लाई नहीं देता है तो बैंक उनको रिप्लेस भी करता है और उनको एडवाइस भी करता है कि कस्टमर्स के साथ कैसे रिस्पॉन्स दिए जाने चाहिए। हाल फिलहाल में ये हर एक कैटेगरीज में अलग अलग रहेगा, उसका इम्पैक्ट रहेगा, पर आप देखिए कि पहले के मुकाबले में कम से कम 0.5% का लाभ तो सभी को मिलेगा और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो भी अगर एग्जिस्टिंग से इस चेंज करके और रेपो लिंक में जाना चाहते हैं तो 0.5% की फीस पे करके वो भी ऑफ कर सकते हैं कि वो रेपो लिंक लोन के ऊपर ले सकते हैं। चलो मैं आपसे बात करूँ कार लोन की, बहुत छोटा लोन होता है, ज़्यादा बड़ा लोन नहीं होता, उसी से थोड़ा कम ही होता है, इसमें आपका कितना होगा ROI? इसके अंदर भी अमाउंट वाइज सेगमेंट अलग अलग हैं, फिर भी ये रेंज जो है वो 8.5% से लेके और 9.5% के बीच में है। तो पहले भी है, अब जो इसके बाद कम हो जाएगी, 0.5% कम हो जाएगी, 8% हो जाएगी, 8% डिपेंड करेगा कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। 8.35 मेंस फीमेल को 8.30 है, उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इनकम क्राइटेरिया हैं, सिक्योरिटीज का क्राइटेरिया है, वो सब फुलफिल करता है उसके बाद। हाँ, अगर वो सब फुलफिल करते हैं तो इसकी रेंज जो है जो अभी हमने इसमें कर रहे हैं तो अभी हमने इसको रखा हुआ है कि तो 5.4 प्लस 270 बेसिस पॉइंट, तो ये आपके पास हो जाएगा 8.3 से कम आ जाएगा, 8.35 से कम हो जाएगा। पैन इंडिया सेम रहेगा, पर्सनल लोन में भी ये रहेगा? पर्सनल लोन में डिफरेंट रेट स्ट्रक्चर, उसमें क्या है एग्जैक्ट रेट स्ट्रक्चर तो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, ये देख के मुझे बताना पड़ेगा इंटरेस्ट जी जी, क्योंकि ये दो तीन चीज़ें हैं जो मतलब आम आदमी को सीधा अफेक्ट करती हैं, तो वो जानना चाहता है कि हाँ हाउसिंग में है तो हाउसिंग में कितना कम होगा, तो ये अगर आप ठीक से बता पाएंगे तो मैं आपको इसके बारे में बैंक जो चूँकि अभी ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग में है, ये इस आने वाले सोमवार को हम लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में कंप्लीट एड भी देंगे और पूरी डिटेल्स भी देंगे कि आपके पास क्या क्या बस। हाँ जी सर, कोई खास इंस्ट्रक्शंस पास करी हैं आपने सारे ब्रांचेस को आज को? आज के दिन हम इंस्ट्रक्शंस पास करने का काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आज के दिन हम सिर्फ सुझाव ले रहे हैं, उनके विचारों को लेकर उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और आगे से वो सुझाव जो है वो प्रधानमंत्री तक भी पहुँचाएंगे, अपना बात बताएंगे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर ब्रांचेस की ये अपेक्षाएँ हैं, स्टेट लेवल पर ये अपेक्षाएँ हैं और बैंक जो है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये सब करेंगे और स्टेट लेवल पे हम ये लोग अपेक्षा करते हैं। तो हुआ है कि
तो 0.5 प्लस 270 बेसिस पॉइंट, तो ये आपके पास हो जाएगा, दिस विल बी 8.3 से कम आ जाएगा, 8.35 से कम हो जाएगा। पैन इंडिया सेम रहेगा, पर्सनल लोन में भी ये रहेगा? पर्सनल लोन में डिफरेंट रेट स्ट्रक्चर, उसमें क्या है एग्जैक्ट रेट स्ट्रक्चर तो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, ये देख के मुझे बताना पड़ेगा इंटरेस्ट। जी जी, क्योंकि ये दो तीन चीज़ें हैं जो मतलब आम आदमी को सीधा अफेक्ट करती हैं, तो वो जानना चाहता है कि हाँ हाउसिंग में है तो हाउसिंग में कितना कम होगा, तो ये अगर आप ठीक से बता पाएंगे तो मैं आपको इसके बारे में बैंक जो चूँकि अभी ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग में है, ये इस आने वाले सोमवार को हम लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में कंप्लीट एड भी देंगे और पूरे डिटेल्स भी देंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें। बस हाँ जी सर, कोई खास इंस्ट्रक्शंस पास करी हैं आपने सारे ब्रांचेस को आज? आज के दिन हम इंस्ट्रक्शंस पास करने का काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आज के दिन हम सिर्फ सुझाव ले रहे हैं, उनके विचारों को लेकर उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और आगे से वो सुझाव जो है वो प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाएंगे, अपना बात बताएंगे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर ब्रांचेस की ये अपेक्षाएँ हैं, स्टेट लेवल पर ये अपेक्षाएँ हैं और बैंक जो है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये सब करेंगे और स्टेट लेवल पर हम ये लोग अपेक्षा करते हैं। एनकाउंटर न्यूज़ चंडीगढ़ से कैमरामैन जगवीर के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट।